दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स के परमानेंट होने की दिशा में ये बहुत बड़ी यानी कि गुड न्यूज़ है। पूरी न्यूज़, पूरी अपडेट, पूरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि जब लोहा पूरी तरह से गर्म हो, उस समय जितनी यूनिटी के साथ और जितनी तेज़ी से उस लोहे पर प्रहार किया जाता है, उतना ही मनमर्जी उस लोहे को आकार में बदलना आसान होता है। तो आप यूँ समझ जाइए कि गेस्ट टीचर्स के परमानेंट होने की दिशा में वो लोहा पूरी तरह से गर्म है। अब कितनी तेज़ी से गेस्ट टीचर्स इस पे यूनिटी के साथ तेज़ी से प्रहार करते हैं वो देखना बाकी रहेगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आइंदा हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये एफिडेविट लगाया है किसने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन टर्म ऑफ द ऑर्डर वगैरह वगैरह, यानी कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये एफिडेविट लगाया है ये हाई कोर्ट में। आपने पीछे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जब अशोक अग्रवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में 26,000 नई भर्ती आने का एक सूचना दी थी, उसी बिहाफ पे हाई कोर्ट ने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि भैया आप एक बार सर्वे कीजिए, आप टोटल बताइए आपके स्कूलों में किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने पोस्ट वैकेंट हैं, और जितना जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो वो सर्वे करने के बाद पूरी लिस्ट हाई कोर्ट को देता है भैया इतनी इतनी सीटें हैं। हाई कोर्ट फिर DSSB को कहेगा कि भैया इन सीटों पर जल्दी से जल्दी भर्ती निकालिए। तो ये बहुत अच्छी यानी कि गुड न्यूज़ है, और दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, जहाँ पर कि उन्होंने क्लियरली लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। तो दिल्ली सरकार के सानिध्य में, शिक्षा मंत्री के सानिध्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसी पोजीशन दी है टीचर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम जो काफ़ी मतलब गेस्ट टीचर्स के फेवर में है, नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि TGT है, PGT है, असिस्टेंट टीचर है, किस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर पोस्ट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट यानी कि टोटल कितनी पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा समय से ऊपर करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में असिस्टेंट टीचर्स के टोटल पोस्ट कितने हैं, 4,060 है ना, 4,060 है, जिसमें कि नंबर ऑफ द पोस्ट फील्ड कितने, 3,051 यानी कि 3100 के समथिंग में पोस्ट हैं, और इसमें से भी 771 पोस्ट क्या हैं, नंबर ऑफ गेस्ट टीचर वर्किंग, यानी कि क्या देर का यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, उसमें परमानेंट कितने हैं और गेस्ट टीचर्स कितने काम कर रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट को दिया है कि भैया जो है वो नर्सरी टीचर्स के सिर्फ और सिर्फ वैकेंट पोस्ट कितने हैं, 198 यानी कि 200 ही पोस्ट वैकेंट हैं, भैया बाकी पोस्टों का खाली ना समझे, उसमें हमारे गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको क्लियर और क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी है, TGT हैं, स्पेशल एजुकेटर है, PGT स्पेशल है, मतलब सारे के सारे, कंप्यूटर टीचर हैं, PGT टीचर्स है, मतलब हर उसके यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट ही यहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में जो टोटल सीट हैं वो हैं 770,000 के करीब, 69,193, तो 70,000 के करीब हैं। उसमें जो परमानेंट टीचर्स जो वैकेंट है, मतलब परमानेंट टीचर्स लगे हुए हैं उस पर, इन सीटों में अगर हम 70,000 तो 48,000 यानी कि 49,000 परमानेंट टीचर्स हैं। अब यहाँ पर 16,000 के करीब जो गेस्ट टीचर हैं, 17,000 के करीब वो गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो अभी वैकेंट बचे हैं वो हैं 3,900 यानी कि 4,000। थोड़ा सा इसे क्लियर और करते हैं, यहाँ पर जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में टोटल TGT, PGT, नर्सरी, प्राइमरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके जो टोटल मिलाकर के वो हैं 70,000 के करीब पोस्ट हैं, राइट। 70,000 में से 49,000 के करीब परमानेंट टीचर्स हैं, सभी में टोटल इतने परमानेंट टीचर्स हैं, उसमें से 16 यानी कि 16,500 के करीब
गेस्ट टीचर्स आज की डेट में वर्किंग हैं। वैसे तो पहले 25,000 थे, फिर 18 हुए, 20 हुए, इस तरह से आज 17,000 के करीब गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 के करीब, 3,904 के करीब ही वैकेंट हैं, यानी कि जो खाली है ना वो 26,000 नहीं है। अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि भैया 26,000 पोस्ट हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खाली हैं, तो DSS भी जल्दी से भर्ती निकाले। बट दिल्ली सरकार ने कहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह के कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें खाली ना माना जाए, वो वर्किंग हैं, वो खाली नहीं है। तो जो भर्ती निकलेगी वो सिर्फ 4,000 की निकलेगी, ना कि 26,000 की। पहली बड़ी खुशखबरी है। दूसरी यहाँ पर ये है कि भैया लोहा है गर्म। अब लोहा गर्म है तो इस पर यही मौका है चोट करने का एक साथ। अब दो तरीके हैं यहाँ पर चोट करने के। पहला तो आप सिंपल सा लगा लीजिए कि भाई यूनिटी के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ अगर इस टाइम धरना हो जाएगा ना, तो यहाँ पर दिल्ली सरकार भी मुकर नहीं सकती, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मुकर नहीं सकता। और यहाँ पर क्लियर ये है कि भैया पहले ही कह रहे हैं कि जो गेस्ट टीचर्स है वो काम कर रहे हैं, तो भैया उनको रेगुलर क्यों नहीं कर रहे जब उनकी पोस्ट पर नई भर्ती भी नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर अच्छा मौका है एक यूनिटी के साथ प्रोटेस्ट करने का। लेकिन अगर यूनिटी नहीं बन पाती है प्रोटेस्ट के लिए, तो बड़ा सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोर्ट में, क्योंकि ये जो मामला है ना ये हाई कोर्ट में ही है। हाई कोर्ट ने ही दिल्ली सरकार को पूछा है, दिल्ली सरकार ने वैकेंसी स्टेटमेंट हाई कोर्ट को दे दी। हाई कोर्ट DSSB को कहेगा कि भैया इन 4,000 पोस्ट पे 4,000 पे भर्ती निकालो, तो 4,000 ही भर्ती निकलेंगी। बाकी जो बची हैं वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी कह दिया उन्होंने कि भैया वो गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं तो वो खाली नहीं है। ऐसे में अगर एक साथ यूनिटी के साथ अगर केस किया जाता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मामला हाई कोर्ट में, एक और हाई कोर्ट में गेस्ट टीचर्स अगर केस करते हैं, तो ये 16,000 है ना, ये पक्के होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि एक बार अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया, एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भैया ये जो गेस्ट टीचर है ना ये मतलब खाली नहीं है, ये पढ़ा रहे हैं, तो जब पढ़ा रहे हैं तो भैया इन्हें परमानेंट क्यों ना करें। तो ये बहुत अच्छा मौका है। इसमें आपकी क्या राय है, एक साथ यूनिटी के साथ धरना करना ज़्यादा बेटर होगा, या एक साथ यूनिटी के साथ हाई कोर्ट में अच्छी सी एक बढ़िया सा एक वकील लेकर के बढ़िया सा केस किया जाना चाहिए। तो कितने लोग केस के पक्ष में हैं, कितने लोग धरने के पक्ष में हैं, कितने लोग कहते हैं कि धरना और केस दोनों एक साथ होना चाहिए, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि एक नई स्ट्रेटजी के साथ गेस्ट टीचर्स काम कर सकें। धरना या हाई कोर्ट में, दोनों करना या एक को करना है। बाकी इसी तरह से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।